नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर लगातार एक से बढ़कर एक खुलासे होते चले जा रहे हैं। गृह मंत्रालय से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक की नींद उड़ी हुई है। वहीं अपने लापरवाही पर माफी मांगने की बजाय पंजाब के सीएम चन्नी और कांग्रेस नेता सिद्धू के साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेता राजनेता इस घटना को दूसरे ही एंगल से भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इधर देश की जनता जवाब मांग रही है, उधर कांग्रेस के नेता अलग ही राग अलाप रहे हैं। चाहे आप सीएम चन्नी की बात सुनिए या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के। इतना ही नहीं, आप कांग्रेस के तमाम नेता के बयान और ट्वीट्स खंगाल सकते हैं। एक जैसे ही सभी के मत आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे जानने के बाद आपके भी पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और हैरत भरी नजर से अपने स्क्रीन पर आप देखने लगेंगे। देश कभी भी 5 जनवरी बुधवार का दिन नहीं भूल सकता। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी की गई उसे भुलाना काफी मुश्किल है। लेकिन आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब में न सिर्फ किसानों से खतरा था बल्कि आतंकी संगठन भी एक्टिव थे। मोदी के दौरे को लेकर आतंकियों की पैनी नजर बनी हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले उनकी सुरक्षा को लेकर खतरे की आशंका जताई गई थी। एक मीडिया संस्थान को एडवांस सिक्योरिटी लायसन यानी अग्रिम सुरक्षा संपर्क मिला है, जिसे पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे से पहले जारी किया गया था। इस एडवांस सिक्योरिटी लायसन में तमाम आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया है। फिर भी पंजाब की कांग्रेस सरकार इसे हल्के में लेती दिख रही है। बता दें कि इस एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL में किसान यूनियन, पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साथ कुछ आतंकवादी और उग्र संगठनों का जिक्र किया गया है। पत्र में उन दो किसान यूनियनों का जिक्र किया गया है जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था, और उन दोनों किसान यूनियन का नाम BK और KMSC है। इन्हें लेकर ऐसी आशंका जताई गई थी कि ये दोनों किसान यूनियन पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता तक रोका गया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये काम इन दोनों संगठनों में से किसी ने नहीं किया। एक जानकारी के मुताबिक KMSC ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मीटिंग के बाद प्रदर्शन से हाथ खींच लिया था। वहीं एकता उग्राहन के लोग फिरोजपुर में मौजूद ही नहीं थे। PM का काफिला भारतीय किसान यूनियन की वजह से रुका था। अब चलिए आपको इसी के साथ बताते हैं कि अग्रिम सुरक्षा संपर्क में क्या कुछ लिखा हुआ था। अग्रिम सुरक्षा संपर्क की शुरुआत में सितंबर 2021 का जिक्र किया गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के अर्शदीप सिंह डल्ला के बारे में बताया गया। अर्शदीप सिंह डल्ला को तरन तारण से पकड़ा गया था। अर्शदीप सिंह डल्ला SFJ से भी जुड़ा बताया गया था। आशंका जताई गई थी कि इनके निशाने पर VIP और BJP नेता हैं। इलाके में स्लीपर सेल होने की आशंका भी जताई गई थी। इतना ही नहीं, अग्रिम सुरक्षा संपर्क में आगे कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि कानूनों की वापसी के बाद भी कुछ किसान संगठन अलग अलग मांगों को लेकर पीएम मोदी से नाराज हैं। BKU, EU और KMSC किसान संगठनों से जुड़ लोग फिरोजपुर में पीएम मोदी का घेराव करने की कोशिश कर सकते हैं। हुसैनीवाला में इन किसान संगठनों को अच्छी पकड़ है। ETT, TET, पास टीचर्स यूनियन भी नियमितीकरण को लेकर पीएम मोदी को काले झंडे दिखाकर विरोध कर सकते हैं। रैली के दौरान सभी को अच्छे से तलाशी लेने की जरूरत है जो सिख कट्टरपंथियों को रिहा कराने की मांग करते हैं। इसमें सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू भी हैं, जो सिख युवाओं को पैसों का लालच देकर BJP सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ भड़काता है। इतना ही नहीं, ये तो किसान संगठनों के नाम हैं, लेकिन इन सभी के साथ आतंकी संगठनों के भी नाम दिए गए थे और उन्हें लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। पत्र में बकायदा बताया गया था कि पीएम मोदी को किन किन से खतरा है। लिखा गया था, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी लश्कर सी तैबा, जैसे मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहादे इस्लामी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, पाक, वामपंथ और सिख आतंकवाद पर आधारित संगठनों से खतरा बताया गया था। आगे कुछ और नामों का भी जिक्र करते हुए लिखा गया था कि पाकिस्तान के आतंकी वधावा सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजावर, रणजीत सिंह नीता, लखबीर सिंह रोडे से भी प्रधानमंत्री मोदी को खतरा है, क्योंकि ये लोग पंजाब में आतंकवाद को फिर जीवित करना चाहते हैं। ये काम चुनाव के वक्त में RDX भेजकर किया जा सकता है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी पर कोई एक दो नहीं बल्कि तमाम आतंकी संगठन
अपने नापाक मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन पंजाब की चन्नी सरकार को कोई फिक्र ही नहीं थी। इतना ही नहीं, पत्र में पाकिस्तान का भी बकायदा जिक्र करते हुए लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का जहां कार्यक्रम है, वह जगह भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाके को ड्रग्स हथियारों की तस्करी के लिए पहचाने जाने वाले बताया गया था, जहां पाकिस्तान की एजेंसियों ने भी अपने ड्रोन भेज दिए थे। पाकिस्तान ड्रोन की मदद से VVIPs को भी निशाना बना सकता है। साल 2021 में पाकिस्तान की तरफ से 59 बार ड्रोन भेजे गए थे। खैर, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब लुधियाना कोर्ट परिसर में बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट भी बम लगाते वक्त ही हुआ था, जिसमें उस शख्स की भी मौत हो गई थी जो ये काम कर रहा था। उसी पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त अगर कोई आतंकवादी साजिश हुई तो बहुत बड़ी बात है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शुरू से ही लगातार आगाह करते रहे हैं। पाकिस्तान सरहद से जुड़ा राज्य होने के चलते पंजाब में ऐसी आशंका बनी भी रहती है। एक और बात, प्रधानमंत्री फिरोजपुर के जिस हुसैनीवाला गांव में जाने वाले थे, ये गांव 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के पास चला गया था, लेकिन साल 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए गए, जबकि पाकिस्तान ने हुसैनीवाला गांव भारत को सौंप दिया। इससे आप इस इलाके के महत्व को समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किन खतरों के बीच यहां पहुंचे थे। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझमें और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न दो, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा।